इंडिया टुडे के एंकर राहुल कंवल की मौलाना महमूद मदनी के साथ की ये बातचीत का वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर काफी शेयर किया जा रहा है। देवबंद की जो असल सोच है वो वही सोच है जो तालिबानी सोच है। देवबंद की जो असल सोच है जो आपको कैमरे पे दिखती नहीं, कभी बाहर नहीं आती, और तालिबान की जो सोच है वो एक है। देखिए, हम कभी ये नहीं कह रहे आपसे कि हमारी और तालिबान की सोच अलग है। हम तो कभी नहीं कह रहे आपसे। अक्सर सोशल मीडिया पर गलत सांप्रदायिक दावे करने वाले अकाउंट्स मिस्टर सिन्हा और क्रिएटली ने ये क्लिप मौलाना महमूद मदनी के इस बयान पर तंज कसते हुए पोस्ट की। हालांकि ऑल्ट न्यूज ने छानबीन करते हुए पाया कि ये साल 2021 के इंटरव्यू की क्लिप है। इस इंटरव्यू के दौरान की बातचीत का पूरा हिस्सा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आरिफ मोहम्मद खान साहब का ये चार्ज है कि जो आप कह रहे हैं वो सच नहीं। उनका कहना है कि देवबंद की जो असल सोच है वो वही सोच है जो तालिबानी सोच है। वो कहते हैं कि ये जो दाढ़ी वाले मौलाना है वो ये बताते हैं कि हमारी सोच जुदा है तालिबान की सोच से, लेकिन देवबंद की जो असल सोच है जो आपको कैमरे पर दिखती नहीं, कभी बाहर नहीं आती, और तालिबान की जो सोच है वो एक है। देखिए, हम कभी ये नहीं कह रहे आपसे कि हमारी और तालिबान की सोच अलग है। हम तो कभी नहीं कह रहे आपसे। हम ये कह रहे हैं कि हमारी और हमारे इंडिया की सोच एक है। मैं कभी कहने की ज़रूरत नहीं है मुझे इसकी कि मैं ये कहूँ कि मेरी और मेरी और तालिबान की सोच अलग है। नो, मैंने कभी दावा ही नहीं किया, ना हमारे यहाँ से किसी ने कभी कहा है कि हमारी और तालिबान की सोच अलग है। मैं तो ये कह रहा हूँ मेरी और मेरे इंडिया की सोच एक है। अलग नहीं होनी चाहिए आपकी सोच। मैं कह रहा हूँ मेरी और मेरे इंडिया की सोच एक है। मैं क्यों डिफेंड करूँगा अपने आप को इससे कि नहीं वो तो अलग है, मैं अलग हूँ। मैं क्यों करूँ? किसको नजर आ रहा है इसमें? जिसको नजर आ रहा है वो नजर आता रहे। मैं एक बात कह रहा हूं मेरी और मेरे इंडिया की, और सुन लीजिए, आंख टेढ़ी करके अगर कोई इंडिया की तरफ देखेगा उसकी आंख सलामत नहीं रहेगी। मेरा इंडिया है, मैं इंडियन हूं, मैंने इंडिया को चूज किया, मेरे बुजुर्गों ने इंडिया को चूज किया है, इंडिया इंडिया है। यहाँ मौलाना महमूद मदनी अपनी और इंडिया की सोच के एक जैसे होने की बात करते हैं, लेकिन उनकी बातचीत का अधूरा हिस्सा सोशल मीडिया पर चलाया गया ताकि ऐसा लगे कि वो अपनी और तालिबान की सोच को एक जैसा बता रहे हैं। वहीं इंटरव्यू में मौलाना महमूद मदनी देवबंद को तालिबानी सोच वाला मानने से साफ इनकार करते हैं। इस मुल्क में अगर मिनिमम 11 करोड़ भी लोग हैं, आपने उनको सबको एक खाने में खड़ा कर दिया, ट्रेटर साबित कर दिया, तो आप इंडिया के साथ भला कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं? देवबंद ने तो चलो बुरा कर लिया है, वो तालिबानी सोच के थोड़ी देर को मान लिया जाए, जिसको मैं कभी मानने को तैयार नहीं हूं, लेकिन मान लिया जाए। तो आप ये बताइए कि आप कर क्या रहे हैं? इस सवाल ही को मैं, मुझे ऑब्जेक्शन इस सवाल ही पर है